Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English class, and today we will study a photograph poetry which has been written by Shirley Tolson. This poetry belongs to class 11th and this poetry has been taken from Hornbill book. So before I start reading this poetry, this is my humble request to you people, please subscribe this channel so that you can get notifications regarding the next chapters of your class 11th. So let me tell you some brief about this poetry. The poet wrote this poem, Photograph, in memory of her dead mother. जो शिर्ले टोल्सन हैं उन्होंने ये जो पोइट्री लिखी थी फोटोग्राफ, वो क्या है कि अपनी उनकी जो मम्मा हैं वो अब उनकी लाइफ में नहीं है, उनको याद करके उनको एक दिन फोटोग्राफ मिलता है उनका कोई पुराना, तो उस फोटोग्राफ को देखते हुए उन्होंने ये पोइट्री लिखी थी. और ये जो फोटोग्राफ है वो ये बताता है कि उस टाइम पे कैसा टाइम था उनका और अब कितना टाइम चेंज हो चुका है. उसके जो इमोशंस हैं, यानी पोइट अपने इमोशंस बताएगी और उस टाइम के बारे में साइमल्टेनियसली डिस्क्राइब करेगी इस पोइट्री के अंदर. मैं ये पोइट्री आपके साथ में लाइन वाइज लाइन डिस्कस करूँगा और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सी पोइटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ की गई है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोइट्री लाइन बाय लाइन. तो पहला जो स्टेंजा है वो ये है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so. तो पहली जो स्टेंजा यहाँ पे लिया गया है उसमें आप देख रहे हो कि पहला जो वर्ड है वो है कार्डबोर्ड. ये कार्डबोर्ड जो होता है वो फोटोग्राफ को ही यहाँ पे बोला जा रहा है. और ये जो फोटोग्राफ लिया था उस टाइम का चीज़ें उसके टाइम को याद कर रही है पोइट यहाँ पे. और उस फोटोग्राफ में ये देख रही हैं कि उनकी जो मदर थी वो उनकी अपनी टू कजिन्स के साथ में पेडलिंग कर रही थी. तो पेडलिंग का मतलब क्या होता है? पेडलिंग का मतलब होता है जब अपने सी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे नाव चलाते हैं, उसको बोला जाता है. और ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, उनकी जो कजिन्स थी उन्होंने क्या है कि उनके जो पोइट की जो मदर थी उसके उनके हाथ पकड़ रखे हैं. एंड शी द बिग गर्ल, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पोइट की जो मदर है वो उन सब में बड़ी थी, सम 12 years or so, और उनकी एज जो बताई जा रही है वो अराउंड 12 years के बताई जा रही है. तो इस पोइट्री में अपने को एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि उस जो फोटोग्राफ को देखने के बाद वहाँ की जो सिचुएशंस है वो सारी बताई थी कि कैसे क्या टाइम था और कौन कौन उस फोटोग्राफ में है, क्या रिलेशंस है उनका एक दूसरे के साथ में, ये चीज़ें अपने को यहाँ पे देखने को मिली हैं. तो इस पोइट्री के अंदर अपने पहला स्टेंजा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. सेकेंड, ऑल थ्री स्टूड स्टिल या स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर. अब यहाँ पे पहली लाइन में देख लीजिए, पहले मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ कि स्टूड स्टिल स्माइल, इसमें एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है. जब एक ही लाइन के अंदर एक से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स आएँ जिनका बिगनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट सेम हो, तो यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट देखिए, एस है स्टूड में, स्टिल में भी एस है और स्माइल में भी एस है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, थ्रू देयर हेयर. अब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं ये देखिए कि स्टूड यानी वो तीनों की तीनों जो उनकी पोइट की मदर हैं, उनकी जो टू कजिन्स हैं, वहाँ पे एकदम स्टिल खड़ी थी, यानी बिल्कुल हिल नहीं रही थी और मुस्कुरा रही थी. और थ्रू देयर हेयर, अब जो फोटोग्राफ उस टाइम पे लिया गया था तो उस टाइम पे उस फोटोग्राफ के अंदर आप देखते हो कि जो उनके जो हेयर हैं वो उनके फेस पे स्ट्रू कर रहे हैं, यानी फेस पे जैसे जो विंड चल रही है उसकी वजह से उड़कर उनके फेस पे उनके जो बाल हैं वो आ चुके हैं. एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस, और उन्होंने उनके जो अंकल हैं वो उनके फ़ोटोग्राफ वहाँ पे ले रहे हैं और वो जो फेस पे उनके बाल हैं वो उड़ के उनकी मम्मा के फेस पे आ चुके हैं. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये जो फोटोग्राफ ली गई है ये कह रहे हैं कि पोइट जब पोइट का खुद का जब बॉर्न भी नहीं हुआ था उससे पहले की ये फ़ोटो है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और अगर आप सी को देखते हो तो उसके अंदर जो चेंजेज हुए हैं वो बिल्कुल कम हैं, यानी लेस चेंजेज, यानी चेंजेज हुए ही नहीं हैं. तो यहाँ पर एक नेचुरल चीज़ है उसके अंदर, वो क्या है कि
बहुत लंबे टाइम तक चलती है, उनके अंदर चेंजेस अपने को देखने को कम मिलता है। वोस्ट दियर टेरिबली ट्रेंजियंट फीट। अब इस लाइन को समझिए कि यहाँ पे क्या है, इन दोनों लाइन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जो टेरिबली ट्रेंजियंट फीट है, सबसे पहले इसके अंदर अपने पोएटिक डिवाइस यूज़ कर देख लेते हैं क्या होता है। एक तो टेरिबली ट्रेंजियंट में एलिट्रेशन यूज़ हो रही है, फिर टेरिबली एडजेक्टिव है तो इसमें ट्रांसफर्ड एफिथेट भी। ट्रांसफर्ड एफिथेट ऐसी पोएट होती है, पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है कि एक एडजेक्टिव यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के सामने। और लास्ट का वर्ड जो फीट आ रहा है, तो फीट में वोस्ट दियर फीट। अब यहाँ पे देखिए कि पोइट क्या बोलना चाह रहा है कि जो सी है जिसमें मेरी मदर अपने टू कजिन्स के साथ में वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, यानी उसमें अपने चेंज बता भी नहीं सकते कि हुआ है कि नहीं हुआ। बट वोस्ट दियर टेरिबली ट्रेंजेंट फीट, यहाँ पे जो फीट है यानी उनकी मदर अब उनकी लाइफ में नहीं है। ट्रेंजेंट का मतलब होता है फॉर द मतलब बहुत ही जो परमानेंट नहीं होते हैं, कम टाइम के लिए होते हैं। यानी उनके जो फीट थे वहाँ पे, जो उनके फुट मार्क्स हुए थे उनको उसने रिमूव कर दिया है। अब रिमूव का मतलब यहाँ पे फीट का फुट मार्क्स से वहाँ पे अगर समझोगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि उनकी मदर हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। बहुत कुछ पोएट की लाइफ में चेंज हो चुका है, तो जो नेचुरल लाइफ है उसके सामने ह्यूमन की लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है कि ह्यूमन की लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है और नेचर की लाइफ है वो बहुत बड़ी है। तो फीट से पूरी बॉडी को यानी पूरे ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए इस पोएटिक किसी भी बॉडी के एक पार्ट से किसी पूरी बॉडी को या पूरी ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन काइंड को, अगर ऐसा मैनकाइंड होता है उसको पूरी को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो इस पोएटिक डिवाइस को सिनेकडकी पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। तो वोस्ट दियर टेरिबली ट्रेंजेंट फीट, यानी जो सी है वो तो एज इट इज़ है अभी, बट उनकी जो लाइफ में उनकी जो मदर है वो अभी नहीं है। तो वो क्या है, वॉश आउट, इसके मतलब समझ चुके हो कि वो जो पोएट है वो अपनी मदर को खो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, स्वीट 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बैटी एंड डोली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ राई विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। यहाँ पे देखिए क्या करना चाह रहा है कि जब उनकी मदर ने 20 या 30 साल बाद में जब उस फोटोग्राफ की तरफ देखा होगा तो वो देख के इस स्नैपशॉट की तरफ हंसी होंगी और बोला होंगे उनकी जो बेटी और डोली जो उनकी कजिन्स हैं वो उनके नाम हैं और बोल रही हैं कि देखिए बेटी और डोली ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं बीच पे जाने के लिए। तो यानी ये उनकी मदर के जो वो ऐसा इमेजिन कर रही है कि ऐसा कहा होगा द सी वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर। तो सी पे जो हॉलीडे स्पेंड करने गई थी उनकी मदर और उनकी कजिन, वो उनका लास्ट हॉलीडे था, उनके बाद क्या है कि वो वहाँ पे नहीं जा पाई थी। और उनका हंसना देखना उस टाइम पे बोल रही हैं कि जो उसकी जो मदर है वो उनके साथ में ये चीज़ें डिस्कस कर रही थी उस टाइम पे हंस रही थी। तो पोएट के लिए उनकी मदर का जो हंसना था वो लास्ट था, उसके बाद उसकी मदर को वो नहीं देख पाती हैं क्योंकि वो उनको छोड़ के जा चुकी हैं। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब यहाँ पे क्या है कि जो पोएट की मदर हैं वो तो उस हॉलीडे वाले जो जो टाइम था जो कि बहुत ही फन लविंग टाइम था और बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने इन्जॉय किया था, उस टाइम को भुलाने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पोएट को अपनी मदर को भुलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दोनों का यहाँ पे एक वर्ड देखिए यूज़ किया, बोथ ट्राई यानी बोथ आर ट्राइंग टू ओवरकम द लॉस ऑफ बोथ द थिंग्स। उनका क्या है कि उनको लगा कि यार ये टाइम है अब वापस नहीं आएगा, उनकी मदर को ऐसा लगा तो वो इसलिए दुखी हैं, और पोएट इसलिए दुखी हैं कि वो अपनी मदर के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी मदर है वो उनको छोड़ के जा चुकी हैं। लेबर्ड का मतलब कठिन और ईज का मतलब आसान, यानी दो जब ऐसी चीज़ें यूज़ की जाए यानी एक दोनों एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड यूज किए जाते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को अपने ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस। तो ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ की गई है। पोइट भी ट्राई कर रहा है कि ये जो लॉसेज हैं उनसे ओवरकम आना होगा क्योंकि ये तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, लाइफ में ह्यूमन है उसकी जो लाइफ है वो इमोर्टल है, वो उनको जाना ही है। और ये क्या है कि लाइफ सॉरी ह्यूमन की लाइफ है जो मॉर्टल है तो वो एक दिन छोड़कर इस संसार को जाएंगे ही जाएंगे और इसलिए वो इस लॉस से ओवरकम होने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड
एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। अब यहाँ पे देखिए पोइट क्या बोलना चाह रही हैं, जो टोल्सन है वो बोलना चाह रही हैं कि नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली मैनी ईयर्स, बहुत साल हो गए उनकी जो डेथ को हुए, उनकी जो मदर है वो उनको छोड़ के जा चुकी हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, अब यहाँ पे जो दैट गर्ल वर्ड यूज किया गया है तो एक्चुअल में क्या है कि ये उन फोटोग्राफ की तरफ देख रही हैं और उस फोटोग्राफ में क्या है कि उनकी मदर थी वो बहुत यंग थी और अब उनकी मदर थी वो उनकी लाइफ में नहीं है, जो कि काफ़ी एज हो चुकी थी उनकी, तो इसलिए उस गर्ल को उन्होंने रेफर करने के लिए दैट गर्ल वर्ड का यूज़ किया गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस जिस टाइप की वहाँ पे सर्कमस्टांसेस थी, देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अगर इस सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो अपने जो दुख है वो क्या है कि टोल्सन नहीं शेयर कर पा रहे हैं, कंपल्सिव नहीं शेयर कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी मदर उनके साथ में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उनको ये टाइम डिफ़िकल्ट लग रहा है। इसलिए लास्ट का जो वर्ड है वो एम्फेसाइज करने के लिए इट्स साइलेंस साइलेंस, यानी रिपीटेशन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पे एलिट्रेशन भी है, तो सेम वर्ड को रिपीट करके ये एम्फेसाइज कर रही हैं कि उनके पास में ये एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल चुप हैं और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ह्यूमन को एक दिन इस लाइफ को छोड़कर जाना पड़ता है और जितने भी लॉसेस होते हैं अपने को ये सीखना चाहिए कि उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट दिस पोएट्री इज़ गिविंग अस मैसेज एंड वी शुड लर्न दैट दीज लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर लाइफ एंड वी हैव टू लिव विद दिस लॉसेस। तो ये पोएटिक डिवाइसेस और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो जो आपकी क्लास का है वो पाने के लिए, और कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आप जानना चाह रहे हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे, मैं उसका वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँगा। और आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स।